वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 16 मई और 16 मई की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर परीक्षा में चाहे वो यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर के प्रश्नों का महत्व बढ़ गया है, इसलिए आपके लिए इस चैनल पर डेली करंट अफेयर की रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहती है। आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए जिससे आपकी करंट अफेयर की तैयारी मजबूत होती रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने टेलीनॉर इंडिया का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में दूरसंचार कंपनियों में टेलीनॉर, जिसका पूर्व में नाम यूनिनॉर भी था, एक प्रमुख कंपनी है। तो हाल ही में इस कंपनी का भारतीय एयरटेल ने अधिग्रहण कर लिया, ये पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लिया। इससे पहले इसके कुछ हिस्से की अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन अब हाल ही में भारतीय एयरटेल ने टेलीनॉर कंपनी का पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेलीनॉर कंपनी है ये मूल रूप से नॉर्वे देश की है। नॉर्वे एक यूरोपीय देश है, तो नॉर्वे देश की ये टेलीनॉर कंपनी है और इसका जो है पूर्व में नाम यूनिनॉर था और इसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी, लेकिन इसका भारत में मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, और अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है, जिसकी स्थापना 7 जुलाई सन 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके मुख्य स्वामित्व के अधिकारी हैं सुनील मित्तल। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय कंपनी और भारतीय एयरटेल ने टेलीनॉर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा आपका प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को यानी कि कल के दिन मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सन 1993 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा ने 1993 में इस चीज़ का फैसला लिया था कि 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। और बात करें इस वर्ष यानी वर्ष 2018 के विश्व परिवार दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जी थीम क्या है, उसका कार्यक्रम या विषय क्या है, तो इसका विषय इस वर्ष का है परिवार और समावेशी समाज। ठीक है, परिवार और समावेशी समाज इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम रहा है, विषय रहा। तो परिवार के बारे में ये सब चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, परिवार को बढ़ाने और परिवार के विकास के लिए सब सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी 2018 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया। तो सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी, ठीक है, जितनी भी सेवाएं होती हैं यानी कि सेवा क्षेत्र जो भी होता है उस पर वैश्विक प्रदर्शनी 2018 का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। तो इन्होंने ये उद्घाटन मुंबई में किया है। ठीक है, मुंबई में उन्होंने इस चीज़ का एक प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो भी जारी किया और इसकी एक अलग सी वेबसाइट भी जारी की। तो इसमें 25 भारतीय राज्यों और लगभग 100 देशों के 625 प्रदर्शकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और रामनाथ कोविंद की बात करें तो ये भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो कि 20 जुलाई को निर्वाचित हुए थे और 25 जुलाई को उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ठीक है, तो सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी 2018 का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। इस वीडियो को आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाल ही में भारत समावेशी पहल शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IIM अहमदाबाद ने हाल ही में भारत समावेशी पहल शुरू की है। ठीक है, तो इस पहल का जो लक्ष्य है वो अगले 3-4 सालों में लगभग $25 मिलियन का भारत के अंदर प्रसारण करना है और डिजिटलीकरण का प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पूरा कार्यक्रम काम करेगा। ठीक है, तो हाल ही में IIM अहमदाबाद ने भारत में भारत समावेशी पहल को शुरू किया है। ठीक है, इस वीडियो का आपका पांचवा प्रश्न है, किसने 2023 तक खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा का उन्मूलन करने के लिए रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया है। इसको एक आप नई परियोजना कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 तक खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा का उन्मूलन करने के लिए रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया है। ठीक है, WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को हुई थी,
7 अप्रैल सन 1948 को, और इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं ट्रेडोस अदानेम घेब्रेयेसस। ठीक है, ये WHO के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। तो देखिए जो रिप्लेस एक्शन योजना है इसमें क्या है कि ट्रांस वसा का उन्मूलन जो है किया जाएगा, जो कि स्वास्थ्य की रक्षा और जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें वसा की अधिकता होती है, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष दुनिया में हृदय की बीमारियों से संबंधित काफ़ी मौतें होती हैं। तो इसके लिए रिप्लेस एक्शन प्लान योजना शुरू की जा रही है, जो भी खाद्य पदार्थों के जो प्रोडक्ट होंगे उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये जो है कार्यक्रम किसने शुरू किया है, ये WHO ने शुरू किया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है। तो पाँचवा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका छठवां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है। देखिए कल के दिन वित्त मंत्रालय में यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में काफ़ी उलटफेर हुए हैं, जिसमें कि जो इससे पहले जो वित्त मंत्री रहे हैं अरुण जेटली, उनके अस्वस्थ होने की वजह से उनका जो मंत्रालय है वो पीयूष गोयल को दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक पीयूष गोयल इस मंत्रालय का पूरा कारभार संभालेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब जो ही मंत्रिमंडल में बदलाव होता है तो नए मंत्रियों से संबंधित आगे आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में पीयूष गोयल को दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका सातवां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो एक दूसरा और प्रमुख बदलाव इसमें और किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो देखिए ये जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है वो राज्यवर्धन सिंह राठौर को दे दिया गया है। इससे पहले ये जो मंत्रालय था वो स्मृति ईरानी के पास था, अब सिर्फ स्मृति ईरानी के पास सिर्फ कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी ही बची हुई है, और बाकी का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है ये आपका राज्यवर्धन सिंह राठौर के पास आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, राज्यवर्धन सिंह राठौर इससे पहले खेल विभाग भी देख रही थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये दोनों रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव से संबंधित ये दोनों प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नवा आठवां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिना सिद्धू यानी ऑप्शन नंबर सी, हिना सिद्धू ने हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फ्रांस की खिलाड़ी को इस मैच में हराया है और 219 अंक हासिल करके उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा ने हिना सिद्धू ने, जो कि भारतीय खिलाड़ी है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नौवां प्रश्न है, किस पर्वतारोही ने सबसे कम समय में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया की पर्वतारोही स्टीव प्लेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि स्टीव प्लेन ने बहुत ही कम समय में 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर उन्होंने चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, और ये जो रिकॉर्ड है उन्होंने हाल ही में 14 मई 2018 को कायम किया है। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इस रिकॉर्ड को बनाने में 117 दिन लगे। ठीक है, यानी कि 117 दिन के अंदर उन्होंने 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को जो है इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आपका दसवां और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, DRDO पुरस्कार 2017 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो देखिए DRDO का जो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे DRDO पुरस्कार 2017 का मतलब है DRDO पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है विजय कुमार सारस्वत। ठीक है, विजय कुमार सारस्वत को DRDO पुरस्कार 2017 दिया गया है। DRDO की बात करें तो देखिए ये भारत का एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, यानी कि DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो DRDO का वर्ष 2017 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2017 हाल ही में विजय कुमार सारस्वत को दिया गया है, और ये जो पुरस्कार है भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में इनको प्रदान किया है। ठीक है, तो दसवां और अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो में मैंने कवर किए, और अब देखते हैं आपकी कल की क्विज का उत्तर। तो देखिए कल की क्विज में क्वेश्चन था रविंद्रनाथ
टैगोर की 157वीं जयंती मनाने के लिए किस देश में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है मिस्र है। आप सभी ने सही उत्तर दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं आपका आज की कुछ का सवाल। तो आज की कुछ का सवाल है, इस वर्ष किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा हो तो निश्चित रूप से आप उन वीडियोस को अगर देखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चार ऑप्शन है, शांति, साहित्य, भौतिकी और अर्थशास्त्र। ठीक है, अगर जो है अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसको कमेंट करें, इसका आंसर कमेंट करें इसका क्या सही आंसर होगा। तो अब अंत में बस यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।